हेलो गाइस, वेलकम टू माय एस वाई एजुकेशन फार्मेशन चैनल। गाइस, यहाँ पे हम प्रेजेंट है लेकर के कक्षा 4 के हमारा परिवेश पार्ट नंबर 2 लेकर के। तो हमारा फर्स्ट पार्ट अब जरूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं कवर करने वाली थी पूरे चैप्टर को, तो कवर ना होने के कारण मैं सेकेंड किसी कारणवश जैसे हमारी वीडियो कट हो गई, तो मैं इसलिए मैं सेकेंड पार्ट बना रही हूँ इसके। तो आप रानी जो ये मधुमक्खियों की बात चल रही थी, तो हमने उसमें चर्चा किया कि मधुमक्खियाँ 3 प्रकार की होती है। रानी मधुमक्खी होती है एक, दूसरी क्या होती है नर मधुमक्खी होती है, तीसरी श्रमिक मधुमक्खी होती है। तो ये अंडा देने का काम करती है, दूसरी जो है मधुमक्खी होती है छत्ते का कार्यभार संभालती है नर मधुमक्खी, और श्रमिक मधुमक्खी जो होती है श्रम करती है, जो सबसे ज़्यादा काम करती है वो क्या करती है छत्ता बनाने का काम करती है, साफ सफाई का काम करेगी, फूलों की खोज करेगी और रसों को एकत्रित करके लाने का काम करती है। तो एज उसमें हो चुका था, तो और आ जाते हैं यहाँ पर। हम आपको बताना चाहते हैं परिवहन एवं कृषि के बारे में, वीडियो पोज करेंगे इसे देख लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, इसमें ये भी कोई खास नहीं, क्वेश्चनिंग वाला है। नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हैं जंतुओं और जंतुओं में अनुकूलन। जंतुओं में अनुकूलन क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे गाइस, तो हमारे परिवेश, ठीक है, क्या है हमारे परिवेश, अपने जो है जीव जंतुओं के जीव जंतु जो पाए जाते हैं हमारे परिवेश में, जीव जंतु पाए जाते हैं, ये जीव जंतु अलग अलग के तरह से अलग अलग जगहों पर रहते हैं, उसी प्रकार उस स्थान पे पसंद करते हैं और जहाँ पर उन्हें पर्याप्त तो सुरक्षा मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे यह कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं गाइस। पहला स्थलचर, जलचर, और एक बार आपको क्लियर फिर से दिखाना चाहते हैं, ये मोस्ट हमारी टॉपिक बन सकती है गाइस। कौन है, स्थलचर, जलचर है, नभचर है और उभयचर है गाइस। तो इसमें देखेंगे स्थलचर में हमारे क्या हो जाएंगे कि कुछ जंतु स्थल पे पाए जाते हैं उन्हें स्थलचर कहेंगे, जल में पाए वाले जलचर, नभ में पाए वाले पाए जाते हैं उसे नभचर कहेंगे, उभयचर जो दोनों जगह होते हैं, तीनों जगह पाए जाते हैं। तो देखिए स्थल में कुत्ता बिल्ली होते हैं, स्थलचर होते हैं, मछली जो है जलचर होती है, नभचर, आकाश में जो है कौवा गौरैया चील पशु पक्षी पक्षियाँ होती हैं, पशु नहीं तो, और उभयचर कछुआ मेढक जो जल में भी होते हैं थल में होते हैं। आई होप कि अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइज हमारा, यहाँ पर देखेंगे जल में रहने वाले मक्खी होती है, इन्हें रेखी धारा शरीर तैरने में सहायक होती है, रेखी धारा पूछ सकता है आप, क्लियर कर लेंगे अपना, ये सारा पढ़ लेंगे और ये भी पढ़ लेंगे। मैं बस मेरा उद्देश्य है कि आपको मैटर आप तक पहुंचाने का, ठीक है, आप ये भी पढ़ लेंगे। ऊँट रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है गाइस, तो ऊँट को कहा जाता है, ठीक है, और यहाँ पर भी आप इसके पढ़ लेंगे, मोस्ट पॉइंट जो बन रही है सारे देख लेंगे। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, हमारा जो नेक्स्ट पेज है यहाँ पे बहुत ही मोस्ट है, हमारा नया चैप्टर आ गया, क्या है पौधे के जो है भाग एवं उनके कार्य, पौधे के भाग एवं उनके कार्य क्या होते हैं, यहाँ पे देखेंगे बहुत ही मोस्ट है। यहाँ पे देखेंगे पौधे जड़ है, मिट्टी, सतह, तना और क्या क्या है, बहुत सारे, एक पौधा है उसमें जड़ पाई जाती है, मिट्टी होती है, जो जकड़ी होती है, तना होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, फूल होते हैं और उसमें क्या फल लगे होते हैं, ठीक है, फल होते हैं, तो ETC ये सारे होते हैं। अब देखेंगे जो जड़ क्या होते हैं, तो जड़ भी आप चित्र देख लिए आपको अंडरस्टूड हो गया होगा। नेक्स्ट भाग पे चलते हैं हम, यहाँ पे देखेंगे गाइस जड़ क्या होती है उसके बारे में आप खुद रीड कर लेंगे, तना क्या है और ये सारे आपको मैटर मिल गया होगा, आप खुद पढ़ लेंगे वीडियो पोस्ट करके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे, हाँ ये चीज़ गाइस बहुत ही मोस्ट है, इसको बता रहे हैं हम, थोड़ा सा टाइम लगा रहे हैं यहाँ पे। देखेंगे पत्ती के ऊपर जो है पाए जाने वाले जो है पौधों के भागों में पत्तियों का एक महत्वपूर्ण भाग होता है, ठीक है, महत्वपूर्ण भाग जो पौधों की शाखाओं पर पत्तियां लगी रहती है, और अधिकांश पौधों की पत्तियों के रंग हरे रंग के होते हैं। पत्तियों का हरा रंग एग्जाम में पूछ सकता है किसके कारण होता है गाइस, तो ऑफकोर्स आप बता सकते हैं पड़ हरित के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा। पत्ती का हरा चपटा भाग क्या कहलाता है, तो पड़ फलक कहलाएगा, ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनेगा, IMP बनेगा, ठीक है। इनकी जो है दो भाग होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, छिद्र को स्टोमेटा कहेंगे, पड़ फरड़ रांद कहेंगे। और इसमें देखेंगे जो पत्ती होती है
पति में जो है हमारे पतिया क्या कार्य कर करते हैं, कार्य श्वसन का क्रिया करती है, वाष्पोत्सर्जन करती है प्रकाश संश्लेषण सूर्य के माध्यम से, ये सब होता है। तो वाष्पोत्सर्जन पूछ सकता है यहाँ पे, हम बता सकते हैं आपको, आप रीड कर लेंगे। जिस प्रकार जो है रसोई घर में खाना पकाया जाता है, ठीक उसी प्रकार पत्ती भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जल और क्लोरोफिल एवं कार्बन, जल और क्लोरोफिल कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड तत्व की सहायता से भोजन बनाती है। इसके द्वारा ही जल तनों द्वारा पत्तियों तक पहुंचाता है सूर्य के प्रकाश के, भोजन प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। तो आई होप कि आपको पता हो गया होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसे कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन, जड़ द्वारा अवशोषित अतिरिक्त जल पत्तियां से वाष्प के रूप में बाहर निकाला जाता है और इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन गाइस। तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, हम आपको प्रेजेंट करते हैं सेकेंड पेज। अब यहाँ पे देखेंगे, ये भी बहुत है मोस्ट, आप वीडियो पोस्ट करेंगे या रीड कर लेंगे। श्वसन, फल फूल बीज और ये सारे देख लेंगे। वायु दल क्या होते हैं, आंतरिक दल। पुष्कर क्या होते हैं गाइस, बहुत ही मोस्ट होता है। तो आई होप कि रीड कर लेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, हमारा नेक्स्ट पेज है यहाँ पे देखेंगे। मरुस्थली भागों में जो पौधे पाए जाते हैं, नागफनी के पौधे होते हैं, सात फल होते हैं, तो जिसके अंदर गद्दीनुमा जो होता है वो उसके अंदर जो इलासानुमा जो हल्का पे तरल पदार्थ भरा होता है पानीनुमा, और ये जो है मरुस्थलीय स्थानों में गाइस पाया जाता है। और ये देखेंगे जलीय पौधे जो होते हैं, कमल होते हैं, कुमुदिनी होते हैं और जलकुंभी होती है, पूछ सकता है ये जलीय पौधे हैं। नेक्स्ट पे आ जाते हैं पर्वतीय पौधे जो होते हैं, सदाबहार वृक्ष होते हैं, ठीक है, शंकुनुमा होते हैं, बहुत ही लंबे होते हैं, नुकीले होते हैं, उनकी पत्तियाँ भी नुकीली होती है। नेक्स्ट पे गाइस आ जाते हैं, हमारा दिया है दादी माँ और उनका बगीचा, तो आप इसको एक बार पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। आ जाते हैं जो इस पे हमारे कुछ मोस्ट बनेगा उसकी हम चर्चा करेंगे गाइस। यहाँ पे देखेंगे आप कुछ, इसको मोस्ट है, बहुत ही मोस्ट है। देखेंगे रंग बनाने में कौन कौन से पेड़ पौधों के काम आते हैं, दवाइयों के लिए, खाना खाने के लिए, पलाश गुलदवारी होती है, जनिया है आदि फूलों से रंग बनाए जाते हैं, गुड़हल दवाइयाँ बनती है गुड़हल से, गुलाब कमल ईटीसी फूलों से क्या बनते हैं, दवाइयाँ बनती हैं। खाने में प्रयोग आता है केला गोभी महुआ के फूल आदि खाने के काम आते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं मेला, जो कि हमारे टॉपिक में था। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने ग्रुप में शेयर करिए। छोटी सी बेल दिखाई देगी उसे भी प्रेस करिए, अब जो वीडियो बनाऊँ नोटिफिकेशन इजी से प्रोवाइड हो जाएंगे। मेला से टॉपिक मैं बना चुकी हूँ एक वीडियो, आप उसे ज़रूर विजिट उसको देखिए, अपने ग्रुप में जा कर के शेयर करिए। तो मेले से हम कुछ मोस्ट इस मेले वाले चैप्टर में उसको मैं दिखाना चाहती हूँ, और ये सारा आप खुद देख लेंगे, ठीक है, आप पढ़ लेंगे। और मेले में क्या क्या मिलते हैं यहाँ पे देखेंगे, जो चीज़ मोस्ट है इस मेले वाले चैप्टर में उसे दिखाते हैं। और मेले से ज़्यादा बाहर से कुछ आने वाला नहीं है, जो भी बाहर से आएगा वो भी पूरे डिटेल्स में वीडियो बना चुकी हूँ, तो आप उसे भी देख लेंगे मेरे लिंक पे जा कर के, माई लाइफ इज़ ए हार्ड वर्किंग चैनल पे देखेंगे। कुंभ मेला कहाँ पर लगता है, प्रयाग हरिद्वार उज्जैन नासिक, ठीक है। और ये 12 वर्ष बाद बोला जाता है कि लगता है, तो कितने साल का अंतराल होता है, तीन 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 तीन, तो कितने हो गए, 12 हो गया ना बराबर। तो एक जगह पर लौट के आने में मेला लगने में कितने समय लग जाते हैं, तो 12 वर्ष तक। सोनपुर मेला कहाँ पर लगता है, बिहार में लगता है। पुष्कर मेला राजस्थान में लगता है। देवा शरीफ का मेला जो है बाराबंकी में लगता है। चौंदी का मेला जो है कहाँ, मेरठ लगता है। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, आप इसे भी तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइस, हमारा नेक्स्ट है जल जीवन के बारे में। आप जल जीवन के बारे में आप पढ़ लेंगे अपना रीड कर, इसको पोच करके वीडियो। हाँ, एक टॉपिक इसमें जो है मोस्ट दिखाई दे रही है, तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है उसको देखते हैं। अभी यही चैप्टर चल रहा है जल की सुरक्षा के लिए। देखिए तालाब है, जल का स्रोत है, झील है, ये सारे हैं। देखिए पानी टंकी के माध्यम से भी जल को सेव करके रखा जाता है। बांध देखेंगे यहाँ पे, और जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कुआं से, हैंड पाइप से, ट्यूबवेल से जल प्राप्त होते हैं। अब देखेंगे कौन से उपयोगी जल ज़्यादा होते हैं, आप इसको रीड करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं गाइस,
यहाँ पे देखेंगे जल प्रदूषण के कारण क्या है, जल क्यों प्रदूषण हो जाता है, तो आप इसको रीड करेंगे। नदियों का जल है, और ये भी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, तो आपको बस बता दे रही हूँ कि आप कहाँ कहाँ पर पढ़ सकते हैं। ये सारी पढ़ लेंगे, यहाँ पे खुद इसको रीड करेंगे पोज करके। यहाँ पे भी दूषित जल को पीने से कौन कौन सी बीमारियाँ, टाइफाइड होती है, डायरिया होती है, अतिसरा, पेचिस, हैजा, पीलिया जो होती है आदि, ये सारे रोग होते हैं जिससे पानी गंदे सेवन करने से। तो आप इसको खुद पोज करेंगे और इस पार्ट को भी आप पढ़ लेंगे वीडियो पोज करके। छान करके, उबाल करके, क्लोरोफीन द्वारा आप शुद्ध जल करके पानी पी सकते हैं, तो यहाँ पे दिया है, आप इसे रीड करेंगे और समझ लेंगे। आ जाते हैं गाइज नेक्स्ट पेज पे हमारा है, यहाँ पे देखेंगे वाष्प एवं संघनन। वाष्प क्या होता है और वर्षा होता है, वर्षा होने के बाद जो है धूप निकलती है और जो जल है वाष्प के रूप में ऊपर जाता है, संघनन धीरे धीरे ठंडा होता है, बूंदों रूप में बदल जाता है, संघनन होके संघनन की क्रिया होती है, फिर वह ठंडा हो जाता है और ठंडे रूप जल के रूप में धारण कर लेता है और वर्षा हो जाती है, तो इसे संघनन की क्रिया कहते हैं। आप वीडियो पोज कर लिए होंगे और पढ़ लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पे गाइस देखते हैं हमारा जो है संघनन के बारे में, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेन किया गया है, आप रीड कर लेंगे। और ये लाइन देखेंगे, वायुमंडल की जो है वाष्प ठंडी होकर संघनन द्वारा जल की बूंदों में बदल जाता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, आप इसे कर लेंगे। यहाँ पे ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, यहाँ पर यात्रा हमारा टॉपिक दिया हुआ है, तो आप इसे भी आप वीडियो पोस्ट करेंगे, आप पढ़ लेंगे। जो ज़्यादा खास है उसको मैं ज़रूर बता दे रही हूँ। अब देखेंगे गाइज, इसे भी आप रीड